हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम। और आज का जो हमारा वीडियो अगेन दैट इज़ ऑफ टेंस, ठीक है, टेंस का है। एंड बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलो आज क्वेश्चंस के थ्रू हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। टेंस एक ऐसा चैप्टर है ना, ऐसा नहीं है कि पहले रूल्स पढ़ोगे उसके बाद एक्सरसाइजेस करोगे। इट विल बी मोर फ्रूटफुल जब आप सेंटेंस के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट समझोगे, बिकॉज टेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा रूल बेस्ड है। ओके, कुछ वर्ड्स फिक्स कर लिया, इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ये लगेगा, ये तो सेंस देख के भी वैरी करता है। तो हम क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे। और आज जो मैंने सारा क्वेश्चंस जो उठाया हुआ है, सारा क्वेश्चंस जो मैंने, अच्छा 1 2 3 4 5 6 मैंने जो सारा सेंटेंसेस डाला है, और सारा सेंटेंसेस टेंस का कंडीशनल वाला डाला है, जहाँ पे हमारे बच्चों को दिक्कत आती है, कंडीशनल पार्ट वाला डाला है। कंडीशनल सेंटेंसेस किसे बोलते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस आर द सेंटेंसेस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, ठीक है। सेंटेंस का एक पार्ट दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है। और मुझे पता है, सिंस मैं अपने आधा 24 घंटे में आधा से अधिक समय तो आप लोगों के साथ ही स्पेंड करती हूँ, आप लोगों के डाउट्स के साथ, तो मुझे पता है बच्चों को कहाँ कहाँ दिक्कत आती है, कहाँ कहाँ उनका डाउट होता है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आई मेक माई वीडियोज़, ओके, ताकि ये डाउट आपका क्लियर हो जाए। जो बच्चे ऑफलाइन तक आ रहे हैं चलो अच्छी बात है, बट वॉट आई ट्राई माई बेस्ट कि जो बच्चे क्लासरूम तक नहीं पहुँच पा रहे, दे कैन नॉट अफोर्ड टू मेक इट टू द क्लासरूम, तो वो इस वीडियो का फ़ायदा उठाएं। और बस एक ही चीज़, फ़ायदा उठाओ और एग्ज़ाम क्रैक करके बताओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के इंडिविजुअल मैसेजेस आते हैं हमारे यूट्यूब व्यूवर्स कि मैम मैंने यहाँ से ये एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, एंड द टीचर्स देन दे फील कि चलो कुछ तो काम आया, कुछ फ्रूटफुल आई एम डूइंग जो मेरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब आ जाओ, सारा कंडीशनल वाला सेंटेंस डाला है मैंने। जनरली कंडीशनल सेंटेंस में हम इफ़ का यूज़ करते हैं, अगर वो आता तो मैं जाता, मेरा जाना उसके आने पे डिपेंडेंट है, आई विल गो ऑन द कंडीशन डैट ही कम्स। सारा सेंटेंस कंडीशनल है, ओके। कंडीशनल सेंटेंसेज आर द सेंटेंसेज इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। ये देखो, इफ़ से कंडीशनल बनाया मैंने, इफ़ वाला सेंटेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि दे फील कि इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में जाएगा। इफ़ वाला सेंटेंस हमारा पास्ट में भी जा सकता है, प्रेजेंट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है। और स्टूडेंट्स ने अपने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम एक सेंटेंस में, हमने तो पढ़ा है कि एक सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, एक सेंटेंस में, वो बोलना ये चाहते हैं कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आएगा, दो विल नहीं आएगा, या एक सेंटेंस में दो शैल नहीं आएगा, दोनों शैल भी फ्यूचर बताता है, या एक सेंटेंस में एक शैल और दूसरा विल नहीं आएगा। सो इन अ नट शैल स्टूडेंट्स का कहना होता है कि एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, ठीक है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आता है, बट कैसा वाला सेंटेंस में? कंडीशनल सेंटेंस में। अगर मैं ऐसा लिखूं, इफ आई राइट आई विल कम एंड ही विल गो, देखो ये एक सेंटेंस में दो फ्यूचर आया है। इन अ सिंगल सेंटेंस वी हैव टू फ्यूचर, विल डिनोट कर रहा है, बट ये तो सही है, एक सेंटेंस में दो फ्यूचर आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को और भी रिफाइन करना है। एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आता है, बट कैसा वाला सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस। इन अ कंडीशनल सेंटेंस वी कैनॉट हैव टू फ्यूचर टेंस, बट ये तो कंडीशनल नहीं है ना, यहाँ तो सही है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ, इफ़ ही विल कम, सॉरी मैंने लिखा इफ़ आई विल कम ही विल गो, अब ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, यहाँ एक सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आए। वाई? दिस इज़ अ कंडीशनल सेंटेंस। और एक कंडीशन कैसे पता चला कंडीशनल है? इफ़ से, मीन्स आई विल, ही विल गो ऑन द कंडीशन डैट आई कम, इसी शर्त पे जाएगा जब मैं आऊँगा। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा। कौन सा विल हटेगा? इफ़ के साथ वाला, क्योंकि इफ़ यहाँ कंडीशन नहीं लेगा, इफ़ आई कम हो जाए। ओके, तो बस याद रखना है कि जब भी कंडीशनल सेंटेंस आ गया तो कंडीशनल सेंटेंस का एक पार्ट, जब भी हम फ्यूचर के लिए दो बात बोल रहे हैं, हम प्रेजेंट में फ्यूचर के लिए दो बातें बोल रहे हैं, तो दोनों सेंटेंस का दोनों पार्ट फ्यूचर नहीं होगा, एक सिंपल प्रेजेंट होगा और दूसरा सिंपल फ्यूचर होगा, क्योंकि हम बोल तो रहे हैं प्रेजेंट में ना, ठीक है, हम प्रेजेंट में बोल रहे हैं बट बात तो दोनों फ्यूचर के लिए है। ये देखो, एक सिंपल प्रेजेंट है और एक सिंपल फ्यूचर है। अभी मैं थोड़ा सा क्लीन करके समझाती हूँ। बस अभी तक आपने क्या समझा? याद रखना है कि एक नॉर्मल सेंटेंस में दो फ्यूचर आ सकता है, बट एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। एंड व्हाट इज अ कंडीशनल सेंटेंस? कंडीशनल सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज डिपेंडेंट ऑन द अदर। अब चलो इसको देखो, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग। ओके,
याद रखना है कि जब हम फ्यूचर के लिए दो बातें बोल रहे हैं, एक दोनों बातें फ्यूचर के लिए हो रही है, अगर वो आएगा तब मैं जाऊंगा, आएगा भी फ्यूचर में, मैं जाऊंगा भी, हेल्प भी उसकी फ्यूचर में करूंगा, तो एक कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर नहीं आएगा, इसलिए ये गलत है। यहाँ पे देखो दो फ्यूचर था, कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर है, ये गलत है। एंड व्हाट डिड आई से, एक पार्ट कौन सा सेंटेंस में जाएगा, दो फ्यूचर तो नहीं जाएगा, एक पार्ट जाएगा सिंपल प्रेजेंट में और दूसरा पार्ट जाएगा सिंपल फ्यूचर में, ठीक है। तो कौन वाला विल हटेगा, वो वाला विल हटेगा जो कंडीशनल वर्ड के साथ है। अब ऐसे नहीं याद रखोगे कि पहला वाला विल हटा देंगे या दूसरा वाला विल हटा देंगे, बस याद रखना जो कंडीशनल वर्ड है उसके साथ वाला विल हटेगा, विल हटेगा और ये क्या हो जाएगा, इफ ही कम्स। देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है, दोनों फ्यूचर के लिए बोला जा रहा है, तो जो कंडीशनल वाला पार्ट है वो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है। ही कम्स कौन सा टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वो किस में जा रहा है, सिंपल फ्यूचर में। तो ऐसे कंस्ट्रक्शन में एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल फ्यूचर। अब मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में भी लेके जा सकती हूँ, यहाँ तो बोल रही हूँ कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा, और आपको मैंने पहले भी बताया कि समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट को हम नियर फ्यूचर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, समटाइम्स सिंपल प्रेजेंट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर फ्यूचर, फ्यूचर में भी कैसा, नियर। आप बोलोगे कि मैम यहाँ तो सेंस निकल रहा है कि अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा, और आएगा तो ही विल होना चाहिए ना, विल होना चाहिए, बट गलत है क्योंकि ऐसे कंस्ट्रक्शन में दो फ्यूचर नहीं यूज होगा, एक सिंपल प्रेजेंट और एक सिंपल फ्यूचर। अभी मैं इसी सेंटेंस को पास्ट में लेके जा रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में ही होगा, पास्ट में भी ले जा सकते हैं हम। यहाँ तो अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा, अगर मैं इसको मैंने क्या किया, इफ़ ही केम आई वुड हेल्प हिम, अगर वो आता तो मैं उसकी हेल्प करता। ये देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसको पास कर दिया, कम को क्या किया, कम को केम कर दिया, पास में लेके चली गई, और विल को क्या मैं कर दिया, वुड में मॉडल वर्ब के साथ बी वन। तो इफ वाला सेंटेंस को हम प्रेजेंट के लिए भी बोल सकते हैं, पास के लिए भी बोल सकते हैं, ओके। अब ये तीनों सेंटेंस वेरी इंपॉर्टेंट, अब इस पे चलते हैं। एक सेंटेंस इसी का और देख लो, मैंने लिखा इफ यू विल स्टडी, इफ यू विल स्टडी यू विल सक्सीड, अगर आप मेहनत करते हो तो आप सफल होगे, यू विल सक्सीड ऑन द कंडीशन डैट यू वर्क हार्ड। ये सेंटेंस रॉन्ग है, बिकॉज अगर दोनों बातें फ्यूचर के एक ही समय में, दोनों बातें फ्यूचर के लिए बोली जा रही है तो दोनों फ्यूचर में नहीं आएगा, ठीक है, और खास करके कंडीशनल के लिए, कंडीशनल सेंटेंस में दो फ्यूचर टेंस नहीं आएगा। कौन सा हटेगा, जो कंडीशनल वर्ड के साथ है, ये हट गया। यू स्टडी, इफ़ यू स्टडी यू विल सक्सीड, पहला वाला जो कंडीशनल वर्ड है उसके साथ क्या चला गया, सिंपल प्रेजेंट, और पहला वाला पार्ट तो कंडीशनल वाला हमेशा सिंपल प्रेजेंट जाएगा, और ध्यान रखना है कि दूसरा वाला पार्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर जाएगा। ऐसा भी एक सेंटेंस हमारे एग्जाम में आया है, इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ फूड पीपल आर स्टार्विंग, लोग भूखे मर जाएंगे, ऐसा भी आता है। ऐसा नहीं है कि हर समय कंडीशनल वाले पार्ट में ही एरर होता है, देखो ये सही है, अगर फूड की शॉर्टेज होती है, फूड की कमी होती है, तो इफ वाला पार्ट इज इफ देयर इज शॉर्टेज, ये कौन सा टेंस हो गया, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ वाला पार्ट तो सिंपल प्रेजेंट रहेगा, लेकिन जो नेक्स्ट वाला पार्ट आएगा दैट शुड बी सिंपल फ्यूचर, बट यहां तो मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगा दिया, ये गलत है। People will starve होगा, वन पार्ट शुड बी इन सिंपल प्रेजेंट, और जो कि है भी, एंड देन नेक्स्ट पार्ट शुड बी इन सिंपल फ्यूचर। तो दोनों जगह एरर आ सकता है, कहीं भी एरर आ सकता है, ये पार्ट में भी एरर डाल देंगे विल लगा के, कभी कभी ये पार्ट सही रहेगा एरर इसमें डाल देंगे, नेक्स्ट वाला पार्ट हमेशा सिंपल फ्यूचर और फर्स्ट वाला पार्ट इज ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट, ओके। चलो आ जाओ, अब इसको मैं पास्ट भी कर सकती हूँ, देखो इसी सेंटेंस को मैं पास्ट कर सकती हूँ, मैंने लिखा इफ यू स्टडीड यू विल सक्सीड, अगर मेहनत करोगे तो पास होगे। अब इसको मैं पास्ट में भी कर सकती हूँ, इफ यू स्टडीड, अगर मेहनत करते तो पास हो जाते, स्टडी को स्टडीड कर दिया है और विल को वुड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है हमारे बच्चे एक स्ट्रक्चर से कंफ्यूज होने वाले हैं, उन्होंने एक अपने दिमाग में स्ट्रक्चर रखा हुआ है जो कि मैं अभी बताऊंगी आपको,
इफ प्लस हैड प्लस वी थ्री प्लस वुड हैव, उनके दिमाग में बच्चों ने अपने दिमाग में बैठा लिया है कि पहला वाला पार्ट हमेशा पास परफेक्ट में होगा, सेकेंड वाले पार्ट में वुड हैव शुड हैव कुछ भी आएगा, वो मैं नीचे वाले सेंटेंस में समझाऊंगी, बट ये भी सही है, ठीक है, बगैर हैड का भी सेंटेंस का सेंस जा रहे हैं, बट मैं बताऊंगी दोनों में डिफरेंस क्या है। इफ़ को हम अकेला सिंपल पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं और इफ़ को हम पास्ट परफेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ देखो कुछ नहीं है, स्टडीड को स्टडीड किया, विल को वुड किया, यह हमारा सिंपल प्रेजेंट था, इसको सिंपल पास्ट में कर दिया मैंने और इसको भी सिंपल पास्ट में कर दिया, ओके। अब ये स्ट्रक्चर से कहाँ हमारे बच्चे कन्फ्यूज होने वाले हैं, अब हम इसको डील करेंगे, ओके। क्योंकि ये वुड हैव वाला कॉन्सेप्ट वेरी कॉमनली आस्क्ड कॉन्सेप्ट इन द एग्जाम्स और हमारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी मैंने बोला कि एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आएगा, हटाया मैंने, या दो शैल या एक शैल और विल नहीं आएगा, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आते, ओके। इफ ही वुड हैव कम आई वुड हैव हेल्प मी, आई वुड हैव हेल्प मी, अगर वो आता आ गया होता तो मैं उसकी हेल्प करता, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। जिस तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो विल नहीं आता है, उसी तरह एक कंडीशनल सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा। और कौन सा वुड हैव हटेगा, कौन सा वुड हैव हटेगा, इफ़ के साथ वाला, और ये वुड हैव क्या में बदल जाएगा, हैड में। इफ़ ही हैड कम, अगर वो आ गया होता तो मैं उसकी हेल्प करता। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जो कि हमारे प्री एग्जाम में भी इस बार आया था, बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम वुड से, जैसे शुड है, शुड कौन से टेंस में यूज़ करते हैं, शुड इज़ जनरली यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं जिसका पास्ट नहीं बनता है, वो हमेशा प्रेजेंट में यूज़ होता है, लेकिन हम उसको पास्ट बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं, शुड हैव, शुड हैव बना के पास्ट यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोला आई शुड डू द वर्क, शुड का तो पास्ट नहीं बनता है तो हम शुड हैव बनाते हैं, कई बार शुड का पास्ट वुड में भी जाता है, आई शुड डू द वर्क, आई शुड डू द वर्क प्रेजेंट में है, मुझे इस काम को करना चाहिए, अब मुझे इसको पास्ट बनाना है तो मैं शुडेड तो नहीं कर सकती ना, मैं क्या बनाऊंगी, आई शुड हैव, शुड के साथ हमेशा हैव ही लगेगा, मॉडल वर्ब के साथ बी वन, आई शुड हैव डन द वर्क, देखो पास्ट बना दिया मैंने। तो कोई भी मॉडल वर्ब जिसका पास्ट नहीं बनता है, जैसे विल का तो पास्ट बनता है, विल का पास्ट वुड होगा, कैन का पास्ट कुड होगा, मे का पास्ट माइट होगा, ये सब का तो पास्ट बनता है, बट शुड का पास्ट नहीं बनता है, तो हम क्या करते हैं, वुड लगा के भी बनाते हैं और शुड हैव, आई शुड हैव डन द वर्क, मुझे इस काम को करना चाहिए था। अब बच्चों का कन्फ्यूजन है कि ठीक है मैम शुड का तो पास्ट नहीं बनता है तो आपने शुड हैव लगा के बनाया, बट विल का तो पास्ट बनता है, बट फिर भी हम वुड हैव क्यों लगाते हैं, यहाँ आपका कन्फ्यूजन आएगा ना कि विल का पास्ट वुड बनता है लेकिन फिर भी हम वुड हैव भी तो लगाते हैं, जब वुड से पास्ट बन नहीं रहा है तो फिर हैव लगाने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि अभी मैंने बोला कि जिसका पास्ट नहीं बनता है हैव लगा के बनाओ, ठीक है वुड भी पास्ट है और वुड हैव भी पास्ट है, बट दोनों में डिफरेंस है, अभी मैं आपको डिफरेंस बताती हूँ फिर इसको करेंगे। ही सेड, दोनों का सेंस अलग है, मूड अलग है, ही सेड दैट ही वुड डू द वर्क पास्ट है, ठीक है ये भी पास में जा रहा है, एंड द नेक्स्ट वन ही सेड दैट ही वुड हैव डन द वर्क। देखो बोथ द सेंटेंसेज आर ग्रामेटिकली करेक्ट, दोनों सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट है और दोनों पास में भी है, बट दोनों का सेंस अलग जा रहा है। अभी मैं आपको एक सेंटेंस करवाऊंगी जो मेरे पास अभी है नहीं, प्री पेपर में हमारा इस बार आया हुआ है, प्री और मीन्स किसी में आया हुआ है, यहाँ तक तो सेम है, ही वुड डू द वर्क यहाँ से अलग है और ही वुड हैव डन द वर्क, नो डाउट बोथ द सेंटेंसेज आर इन पास्ट टेंस, बट दोनों में डिफरेंस ध्यान से सुनोगे। उसने कहा कि वो उस काम को करेगा, ठीक है उसने कहा था, कब कहा था, पास्ट में कहा था कि वो इस काम को करेगा, ठीक है अभी उसने काम किया नहीं है, उसने कहा था कि वो इस काम को करेगा, बट इसका सेंस क्या जा रहा है, ही सेड दैट ही वुड हैव डन द वर्क, उसने कहा कि उसे उस काम को करना चाहिए था बट उसने किया नहीं, यहाँ क्या हो रहा है कि यहाँ तो काम हुआ ही नहीं, सिर्फ उसने क्या बोला है कि वो इस काम को करेगा,
ठीक है, बट यहाँ उसे करना चाहिए था बट इस उसने किया नहीं. यहाँ क्या सेंस जा रहा है कि अब काम हो चुका है बट इस व्यक्ति ने काम नहीं किया. ही वुड हैव डन द वर्क, उसे इस काम को करना चाहिए था बट उसने किया नहीं. तो यहाँ यही चीज़ पता चल रहा है, परफेक्ट में जा रहा है कि यहाँ काम हो चुका है उसने किया नहीं, बट यहाँ तो अभी काम हुआ ही नहीं, उसने सिर्फ बोला कि मैं इस काम को करूँगा. ओके, तो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है कि जब भी हम मॉडल वर्ब के बाद हैव लगा के पास्ट बनाते हैं ना, तो उसका सेंस क्या जाता है, परफेक्ट वाला. परफेक्ट का मतलब है काम ऑलरेडी हो चुका है, या तो वो व्यक्ति कर चुका है या तो उसने नहीं किया है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. वीडियोस को दो तीन बार देखोगे और भी क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ टेंस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि सब छोड़ के पहले टेंस पढ़ा देना है. काफ़ी दिनों से बच्चों का डिमांड भी आ रहा था. हाँ, और अभी मैंने बोला कि एक सेंटेंस में जैसे विल नहीं आता है, उसी तरह एक सेंटेंस में दो वुड हैव नहीं आएगा. दो वुड हैव नहीं आएगा, कौन सा वुड हैव हटेगा, जो कंडीशनल के साथ है, और ये क्या बन जाएगा, हैड. हैड में बदल जाए. देखो मैंने यहाँ बदल दिया, इफ ही हैड कम, अगर वो आया होता तो मैं उसकी मदद करता, मैं उसकी मदद करता. अगर वो आया होता तो मैं उसकी मदद करता. मैं इसका मतलब है ना वो आया ना मैंने उसकी मदद की. ठीक है, ही वुड आई वुड हैव हेल्प मी, मैंने उसकी मदद नहीं की, काम यहाँ पे नहीं हुआ. ठीक है, मदद करने का काम नहीं हुआ. अब ये सेंटेंस देखो, एक स्ट्रक्चर याद रखना, ये आ जाता है एग्जाम्स, वेरी कॉमनली आस्ट है. इफ प्लस, ये कंडीशनल सेंटेंस है जो पास्ट में है. इफ लगेगा सेंटेंस में, सब्जेक्ट तो आएगा ही, हैड प्लस वी थ्री, और सेंटेंस के नेक्स्ट पार्ट में वुड हैव भी हो सकता है, वुड हैव प्लस वी थ्री, कुड हैव भी हो सकता है, शुड हैव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है. विलिंगनेस का सेंस हो वुड हैव, एबिलिटी हो शुड हैव, सॉरी कुड हैव, और ड्यूटी का सेंस है शुड हैव वी थ्री. अब देखो यही सेंटेंस मैंने बताया, ये देखना और याद रखना है, ऐसे वाले सेंटेंस में ना ये जो हैड है ऑक्सिलरी का काम करेगा, और ऑक्सिलरी के बाद थर्ड फॉर्म आएगा. इसका मतलब व्हाट आई मीन टू से कि अगर पास्ट में जाते हैं तो इस स्ट्रक्चर में इफ वाला सेंटेंस को किसका काम करना है, पास्ट का नहीं, पास्ट परफेक्ट का. क्योंकि इफ वाला सेंटेंस सिंपल पास्ट में भी जा सकता है. मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, देखो मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ, इफ आई हैड मनी आई वुड हेल्प द पुअर. ये तो सिंपल पास्ट वाला है. ऐसा जैसे इफ, जैसे इसके पहले मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, इफ आई स्टडीड आई वुड सक्सीड, ये सिंपल पास्ट. सिंपल पास्ट मतलब अकेला हैड है, पास्ट परफेक्ट मत समझ लेना. पास्ट परफेक्ट तब होता है जब हैड के बाद वी थ्री आता है, ठीक है, उसको पास्ट परफेक्ट मानते हैं. ये सिंपल पास्ट है और यहाँ भी सिंपल पास्ट, ये सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर है. ठीक है, अब बच्चे इसको कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और यहाँ दो हैड लगाने लगेंगे, वुड हैव लगाने लगेंगे, ये भी सही है, इसका स्ट्रक्चर अलग है. इफ़ आई हैड मनी आई वुड हैव हेल्प द. अब आगे सेंटेंस देखो, अगर मैं ऐसा करूँ, ये स्ट्रक्चर बनाओ, इफ़ आई, सेंटेंस में दो हैड भी लग सकता है. इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं गरीब की मदद करता, इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे मदद अभी कुछ किया नहीं है, बस बोल रहे हैं. और इफ़ आई हैड मनी आई वुड हेल्प नहीं होगा, आई वुड हैव हेल्प द पुअर, ऊपर वाला स्ट्रक्चर. ये सेंटेंस देखना, ये स्ट्रक्चर में मैंने खास करके बोला है, ऐसे वाले स्ट्रक्चर में सेकेंड वाला पार्ट पहले देखना, आई वुड हैव हेल्प, कर सकता था बट किया नहीं. ठीक है, जब हैव आ जाएगा ना, इसका मतलब है कि घटना ऑलरेडी हो चुकी है, या तो आपने किया या तो नहीं किया, काम ऑलरेडी हो चुका है. यहाँ पे तो ना पैसे था ना उसने हेल्प की, ये भी सही है. अब ये सेंटेंस देखो, इफ़ आई हैड मनी, ये वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जा रहा है. यहाँ पे मैंने दो हैड क्यों लगाया, दो हैड से क्या पता चलता है, ये हैड है, एक हैड ऑक्सिलरी है और दूसरा वी थ्री आ गया, और दो बार हैड लग गया ना, तो ये सेंटेंस का टेंस क्या जाएगा, पास्ट परफेक्ट. ठीक है, ये सेंटेंस का टेंस हमारा क्या में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट. तो पहला वाला पार्ट पास्ट परफेक्ट जाएगा और दूसरे वाले पार्ट में वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प द पुअर, मैं गरीब की मदद कर सकता था बट मैंने किया नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसे थे ही नहीं. तो एक हैड से भी सेंटेंस सही जा सकता है, बशर्ते कि यहाँ पे सिंपल पास्ट रहेगा और यहाँ भी सिंपल पास्ट रहेगा. लेकिन अगर दो हैड लग गया, पहला वाला पार्ट अगर पास परफेक्ट जा रहा है तो दूसरे वाला पार्ट अकेला वुड से नहीं होगा, इसमें वुड हैव आएगा.
ओके. तो होपफुली आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको इफ वाला कंडीशनल वाला कॉन्सेप्ट समझा दूँ. कभी कभी होता है पहली बार में चीज़ें क्लियर नहीं होती है. 5 बार देखो, 6 बार देखो, वीडियोज़ को समझो, बार बार देखो और टीचर्स को अच्छे अच्छे कमेंट्स दो कि क्या क्या आगे और भी टेंस से रिलेटेड पढ़ना है. वीडियोज़ को लाइक करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग इसका फ़ायदा उठा सके. चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.